हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, आप सब लोग को मैं स्वागत कर रहा हूं। आज मेरा साथ पुणे से जोड़ रहा है वरिष्ठ जाने माने राजनीति वैज्ञानिक अध्यापक सुहास पालशिकर। नमस्कार। उनका लेख बहुत सारे अखबार में आते हैं और बारीकी से भारतवर्ष का जो राजनीति देखते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा 17 मार्च को भारतवर्ष का लोकतंत्र के ऊपर, और इस विषय के ऊपर आज भारतवर्ष का लोकतंत्र ये जनतंत्र के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। और पालशिकर जी, सुहास जी, थैंक यू सो मच। आपने धन्यवाद मेरा देना न्यूज क्लिक का दर्शक को आपने हम आपका कीमती समय दिया, इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्ते। नमस्ते परंजय भाई। कुछ दिन तक हमारा बात चल रहे थे हमारे देश में कि हमारे देश में ज्यादा लोकतंत्र है। अब बात हो गया कि लोकतंत्र कम हो गया हमारे देश में, और इसका कारण क्या है? दो संस्था और भी ऐसे संस्था है, एक है स्वीडन का वीडेम, Varieties of Democracy। उन्होंने लिखा कि भारतवर्ष का एक छवि था एक समय कि पूरा विश्व में सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, लोगों को दिखाते हैं रास्ता दिखाने वाले, ऐसा ऐसा देश था। मगर आज एक तरह से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, यानी कि हमारे देश में चुनाव होते हैं फिर भी एक तंत्र हो गया, कुछ व्यक्ति पूरा हमारे देश का लोकतंत्र चला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पूरा जो राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्रवादी सरकार हो गया, और सचमुच एक समय जो स्वतंत्रता था भारतवर्ष में वो कम हो गया, ऐसा ऐसा बात। और भी एक अमेरिका का एक संस्था फ्रीडम हाउस, इन्होंने कहा कि एक समय हम लोग एकदम स्वतंत्रता था भारतवर्ष में, आज इंडिया हैज बिकम पार्टली फ्री, कुछ अंश हमारे देश का लोकतंत्र कम हो गया, कमजोर हो गया। तो ये सब सुन के हमारे देश का जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी, उन्होंने टिप्पणी किया, और वो अंग्रेजी में पढ़ के पहले सुनाता हूं, उसके बाद हम हिंदी में सरल भाषा में कोशिश करूंगा अनुवाद करने के लिए। उन्होंने कहा, इट इज हिपोक्रेसी, we have a set of self appointed custodians of the world who find it very difficult to stomach that somebody in India is not looking for their approval, is not willing to play the game they want to play, so they invent the rules, their parameters, pass their judgments and make it look as if it is some kind of a global exercise। जयशंकर जी कह रहे कुछ ऐसे लोग हैं विदेश में बैठे थे, वो अपने आप को संरक्षक बना दिया, कस्टोडियंस बना दिया, वो बताएंगे कौन सा देश में लोकतंत्र है कम ज्यादा, और उनका खेल अगर हम नहीं खेलेंगे, उनका जो नियम है, जो कानून बनाया, जो अधिनियम बनाया, जो मापदंड बनाया, और उन्होंने हमारे बारे में ऐसे कह रहे। मगर उनका जो कहना है कि हमारे देश की जो सरकार है वो चुनाव जीत के आए हैं, और ऐसा बात करना चाहिए, इट इज हिपोक्रिटिकल। तो सुहास जी, आपका क्या राय है? देखिए, ये जो संस्थाएं हैं, वीडेम हो या फ्रीडम हाउस हो, इनके जो मापदंड है, इनके जो क्राइटेरिया है, वो अंतिम है, ऐसा राजनीति शास्त्र में कोई कहता नहीं है। राजनीति विज्ञान में इस पे बहस चलती रहती है। सवाल ये उठता है कि क्या हम उसी वक्त ये बहस करें जब हमें इन संस्थाओं ने कहा है कि भाई आपका लोकतंत्र थोड़ा नीचे गिर रहा है। अगर हम ऐसे शिकायत करें कि आप हमें नीचा दिखा रहे हैं इसलिए हम आपको नीचा दिखाएंगे और कहेंगे कि आपका मापदंड ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो बचपना हो जाएगा। विज्ञान में और राजनीति का अभ्यास करना भी एक विज्ञान है। विज्ञान में यह तय होता है, सब लोगों से मिलके बात करके एक सिद्धांत तैयार होता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं।
अब ये जो वी डेम आपने कहा वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, उसके नाम में ही ये है कि डेमोक्रेसी की वैरायटीज होती है। वो ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ एक कोई व्याख्या है और उसमें चुनाव एक हिस्सा है, चुनाव के बजाय और चुनाव के अलग और काफी चीजें हैं जिसमें रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं कि आपने एक अधिनियम बनाए, संविधान बनाए, उसके तहत आप काम करें, लोगों को अपनी राय सामने रखने की मोहलत दे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, बातचीत करके निर्णय करें, डेलिबरेशन हो, ऐसे चार पांच मापदंड उन्होंने बनाए हैं। और वो चार पांच मापदंड लेके वो कहते हैं कि आप लोकतंत्र कितना है और कितना नहीं है। जब वो कहते हैं आप पार्टली फ्री है, उसका मतलब ये होता है कि ये सब मापदंड आप फुलफिल नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे चीजों में बहस तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन मंत्री जी ने जो बहस छेड़ी है वो मुझे ठीक नहीं लगती है। वो इसलिए कि इसमें एक फायदा है, इस तरीके के जो ग्लोबल इंडिकेटर्स होते हैं उससे दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि हम ये जान पाते हैं कि बाकी देशों की तुलना में हम कहाँ हैं, जिसको कंपेरिजन कहते हैं। और दूसरा फायदा यह है कि 10 साल या 20 साल या 50 साल की तुलना में आज हम कहाँ हैं, जिसमें टेम्पोरल काल गणना जो है उसके हिसाब से तुलना हम कर सकते हैं। और ये वीडियो का जो आपने जिक्र किया उसमें यह साफ दिखाई देता है कि आज के रोज हम 76 में 1976 में जहां थे वहां शायद पहुंच रहे हैं। और हम लोग हमारे देश में जब कहते हैं कि हम इमरजेंसी सिचुएशन जो 75 से 77 था, आज आप कह रहे हैं हम वही वापस चले गए हैं, लगभग वही गए हैं। ऐसा उनका अगर आपने देखा, ये तो आज नहीं चल रहा है, ये कई सालों से काम चल रहा है इन लोगों का। अगर वो गलत है तो आप उसको पीछे कभी गलत क्यों नहीं कहे, आज ही का क्यों गलत कह रहे हैं, ये मेरी शिकायत है। मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई अंतिम है। जैसा मैंने कहा, राजनीति विज्ञान में भी इस पे काफी कड़ी बहस होती रहती है और वो बहस ध्यान में रखते हुए ये लोग ऐसी संस्थाएं अपने मापदंड जो है उनमें सुधार भी करते हैं। सुहास जी, आपका इंडियन एक्सप्रेस का लेख में आपने लिखा कि आप फ्रीडम हाउस के बाद भूल जाइए, आप वीडम के बाद भूल जाइए, हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग, जैसे आप जैसे अध्यापक है, अलग बुद्धिजीवी है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो सरकार का टिप्पणी किया बहुत सारे कारण के लिए। जैसे आपने बहुत सारे उदाहरण दिया, जिस तरह से मीडिया के लोग, पत्रकार लोग का मुंह बंद करने का कोशिश है, उसके खिलाफ आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लगा दीजिए, अलग अलग केस कर दीजिए। आप ये भी देखा कि कैसे लोगों के खिलाफ उनको देशद्रोही बना दिया और देशद्रोह का केसेस एक के बाद एक लगा दिया। आपने ऐसा उदाहरण दिया कि देश के अंदर कह रहे किस तरह से अलग अलग एजेंसी, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे CBI, ये बड़े बड़े जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी संस्था है, किस तरह से जो सरकार के खिलाफ बात करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, विरोधी दल के जो लोग हैं, उनको एक तरह से लक्ष्य बना के टारगेट करना है। और आपने देखा कि अलग अलग जगह में डिस्टर्ब्ड एरियाज बना दिया और वहां पे भी हम देख रहे हैं, जो आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप देख रहे वो किस तरह से ऐसे कानून है, जैसे UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो आपका मतलब, आपका लेख में जो आपने लिखा कि ये फ्रीडम हाउस और वीडम का पहले से भी लोग सरकार का टिप्पणी कर रहे थे कि किस तरह से आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं जो आपके खिलाफ बात करते हैं उनका मुंह बंद करना। देखिए, ये तो लिखा है हमने, और मैं कहूंगा कि मैं कोई बड़ा बुद्धिजीवी तो हूं नहीं, लेकिन आप बाकी लोगों का भी अगर पढ़ें तो पिछले 4-5 सालों में कई लोगों ने इन बातों को छेड़ा है
सिद्धांत के तौर पे छेड़ा है और खुद के और लोगों के अनुभव के तौर पे भी छेड़ा है। लेकिन मैं आपको दूसरा एक उदाहरण दूं। 15 साल पहले, आज से लगभग 15 साल पहले 2005-06 में हम कुछ राजनीति के अध्ययन करने वाले सहयोगी लोगों ने साउथ एशिया में हिंदुस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, 5 देशों का हमने अभ्यास किया था। और उसी वक्त में हमने यही कहा था कि कमी अगर भारत में कोई है तो ये है कि संस्थाओं को स्वतंत्रता से काम करने नहीं दिया जाता है। संस्थाएं तो बहुत है लेकिन उन संस्थाओं को स्वतंत्रता से काम नहीं करने दिया जाता है, ये बहुत बड़ी कमी हमारे लोकतंत्र में है। ये हमने 15 साल भी पहले किया था। अब उस वक्त तो आज की सत्ता जो है उनकी सरकार नहीं थी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सरकार है इसलिए कोई टिप्पणी कर रहा है। ये हमारी लोकतंत्र की आलोचना करना मेरे ख्याल से राजनीति विज्ञान का काम है। और अगर मैं राजनीति विज्ञान का पाठक हूं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे देश में और बाकी देशों में भी जो कोई कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है उसकी आलोचना करें। आलोचना सामाजिक विज्ञान का एक मूलभूत ढांचा होता है। आलोचना के बिना अगर आप सिर्फ स्तुति करते जाएंगे तो आप स्तुति पाठक हो जाते हैं, आलोचक नहीं बनते हैं, विज्ञान नहीं करते हैं। तो ये आलोचना आज की नहीं है, ये पुरानी है। बिल्कुल, आज गंभीरता प्राप्त हुई है, ये मेरी शिकायत रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा। आप जैसे व्यक्ति और भी लोग बहुत साल से, उस समय भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय कांग्रेस का सरकार चल रहे थे, यूपीए का सरकार चल रहे थे, मनमोहन सिंह जी का सरकार, उससे भी पहले आपने अभी अभी जो बात किया इंदिरा गांधी का जमाने में जब आपातकालीन स्थिति में था, तब भी लोग इसका टिप्पणी किया, आलोचना किया। मगर ये आपका लेख में आप जरा सरल भाषा में हमें, हमारा दर्शक के लिए जरा समझा दीजिए, ये लोकतंत्र, ये गणतंत्र, ये जनतंत्र, ये अलग अलग नाम है, इसका माने क्या है, ये मतलब क्या है? ये कि हम एक जगह में जा रहे हैं कि लोग कहेंगे नहीं, ये एक पाश्चात्य देश का, वेस्टर्न कंट्रीज ने हमें बताया कि हमारे देश में क्या लोकतंत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और हमारे देश का जो आध्यात्मिक मोक्ष ऑब्जेक्ट है, इसके साथ पश्चिमी जो सोच है, क्या लोकतंत्र होना चाहिए, क्या लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, क्या चुनावी लोकतंत्र होना चाहिए, इस विषय के ऊपर आज का जो चर्चा चल रहा है, जो बहस चल रहा है, और जो आपने आपका लेख में भी उल्लेख किया कि किस तरह से हमारे देश में जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार चल रहा है, उनके पीछे हम जानते हैं एक सामाजिक संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा, गोलवालकर जी ने क्या कहा, मोहन भागवत जी जो आज आरएसएस का जो सरसंचालक है, उनका सोच क्या है, इस विषय के ऊपर आप जरा सरल भाषा में हमारे दर्शक के लिए समझा दीजिए, आप क्या कहने चाह रहे हैं? जैसा हमने पहले भी कहा कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, इसके कई पहलू हो सकते हैं और उसमें जाहिर है आम जनता के लिए एक अहम पहलू यह है कि क्या हम सरकार को चुनकर लाते हैं कि नहीं। तो यह तो जाहिर है कि चुनाव अच्छी तरह से होना और उनका नतीजा, उनके परिणाम, सब लोगों को उसकी सहमति होना, यह तो बिल्कुल जरूरी है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकते हैं। लेकिन गड़बड़ यहां होती है कि कई लोग और सामान्य जनता भी कई बार ये मान के चलती है कि बस भाई चुनाव हो गए तो और आपको क्या चाहिए। जो मंत्री जी ने भी कहा है कि इतने सारे लोगों ने ये सरकार को चुन के दिया है, सही बात है, लेकिन एक चुनाव और दूसरा चुनाव, इनके दरमियान का जो फासला है, उसके दरमियान ये सरकार कैसा बर्ताव करती है, ये भी लोकशाही का ही एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको राजा बना दिया है और अब आप दो चुनाव के बीच में कुछ भी करें, इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र में और काफी चीजें हैं जिसमें ये भी बहुत जरूरी है
कि जिसको अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून के तहत सब चीजें चलना और संस्थाओं को अपना काम करने के लिए ऑटोनॉमी होना, ये चीजें बहुत जरूरी होती है। अब इसमें श्लेष ये है, इसमें गड़बड़ ये हो जाती है कि कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो लिबरल है और ये पाश्चात्य है, इसका लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, हमने तो चुनाव करा लिए है। मेरा कहना ये है कि अगर लोगों को अपनी आवाज उठाने की स्वायत्तता ना हो, फ्रीडम ना हो, तो चुनाव का फ्रीडम जो है वो जाली बन जाता है, वो सच्चा नहीं बनता है। और इसलिए दो चुनाव के बीच में सरकार कैसा बर्ताव करती है, उसको जो मेजॉरिटी मिलती है उसका वो किस तरह से उपयोग करती है, क्या आलोचना सुनती है, क्या आलोचना करने के लिए अनुमति देती है, क्या आलोचकों से बात करती है, ये सवाल उतने ही महत्वपूर्ण है जितना चुनाव महत्वपूर्ण है। ठीक, इसका मतलब आपको चुनाव में आपको बहुमत मिल गया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिसको बहुमत नहीं मिला, जो 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 आपका अल्पसंख्यक हिस्सा है, जो आपका विरोधी दल है, उनके बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुहास जी, आप क्या समझते हैं, कुछ सालों से, पिछले 6-7 साल से हम देख रहे, देशभक्ति क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, ये इसके ऊपर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी का सरकार और भारतीय जनता पार्टी का सरकार एक तरह से कह रहे कि आप सरकार या भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी को कठिन सवाल उठाएंगे तो आप राष्ट्रवादी नहीं है, एक तरह से आप देशद्रोही बन जाते हैं। आप अगर समझते हैं कि मैं जनहित में कुछ सवाल उठाऊंगा, ये वो पसंद नहीं करते हैं, आप गद्दार बन जाते हैं। तो आप इस विषय के ऊपर देशभक्ति क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, कौन राष्ट्रवादी है और कौन नहीं है, इस विषय के ऊपर आप थोड़ा बहुत कुछ कहिए। देखिए कि राष्ट्रवाद जो है, 100 साल पहले यूरोप में इस राष्ट्रवाद का एक बहुत विपर्यस्त रूप सामने आ गया था, और तब से ये बहस चल रही है कि राष्ट्रवादी तो होना चाहिए, मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं देशभक्त हूं, लेकिन देशभक्त होने का मतलब क्या है, मेरी इस देश की जो भूमि है उसके ऊपर जितनी प्रीति है, जितना प्यार है, उतना ही यहाँ जो सब लोग रहते हैं उनके बारे में भी मेरे मन में उतना ही प्यार होना चाहिए। अब इसकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है, देखिए हमारे देश में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब ये सब बहस हुई थी, और मैं ये मानता हूं कि हमारा लोकतंत्र जो है उसकी प्रेरणा पश्चिम से नहीं आई है, इन दो चीजों से आई है, एक तो स्वतंत्रता संग्राम जो नेशनलिस्ट था, और दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जो भी नेशनलिस्ट है। अब ये दोनों चीजें नेशनलिस्ट है, लेकिन वो नेशनलिस्ट होने की वजह से किसी को अपना दुश्मन नहीं मानती है, जिसके साथ हमारे मतभेद है वो दुश्मन नहीं बन जाते हैं, और इसलिए जो हमारे मुझसे जो अलग बात कहते हैं उनको मैं देशद्रोही नहीं कहूंगा, और संघर्ष यहाँ पैदा हो जाता है कि देशद्रोह अगर आप शब्द इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्र जो सरकार है उसके खिलाफ कुछ बात करना या कुछ कृति करना, इसको अगर आप देशद्रोह या सेडिशन मानते हैं तो आप कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, नेशनलिज्म का भी गलत इस्तेमाल करते हैं और प्रजातंत्र का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। सुहास जी, मेरा आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में 4 बड़े राज्यों में और 1 छोटा राज्य में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, और मई महीना का 2 तारीख हमें चुनाव का नतीजा मालूम पड़ेगा। मगर ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसका नतीजा जो भी हो, कितना महत्वपूर्ण है, भारतवर्ष का लोकतंत्र, जनतंत्र का भविष्य क्या होगा, हम लोग कौन दिशा में जाएंगे, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, हाउ इंपॉर्टेंट आर दी स्टेट इलेक्शंस
for the future of democracy in India? यही मेरा सवाल है। वो ये है पिछले 5-7 सालों से कि राज्य के चुनाव जो नतीजे देते हैं वो नतीजे और आम इलेक्शन जिसको हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन कहते हैं उसके नतीजे कई बार अलग तरीके के होते हैं और इससे मेरे ख्याल से हमारा लोकतंत्र मजबूत होने के लिए काफी सहायता होती है क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि कई पार्टियां कई दल सत्ता में यहां वहां कहीं ना कहीं आ सकते हैं और जैसे जैसे ज्यादा दल सत्ता में आएंगे वैसे सब दलों का लोकतंत्र में जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाता है। अगर सभी जगह एक ही दल आ जाता है तो ये इन्वेस्टमेंट ऑपोजिशन का कम हो जाता है, इसलिए ये नतीजे महत्वपूर्ण है। ये नतीजे इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या भाजपा जीतेगी या नहीं, वो तो एक सवाल है, लेकिन इसमें हमारा फेडरलिज्म और हमारी डाइवर्सिटी ये दोनों सवाल इन्वॉल्व है, इसलिए मेरे ख्याल से ये नतीजे बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी जवाब मेरा ये भी रहेगा कि ये चुनाव किस तरह लड़े जाते हैं इसके लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव के नतीजे तो आ जाते हैं और चुनाव के नतीजे जब आते हैं तो हम कहते हैं कि लोगों ने ये चुनाव में इसको जीता दिया इसको हरा दिया है, लेकिन इसके बीच में हम एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं, हम एक दूसरे को कितनी गाली गलौज करते हैं या हम पॉलिसी की बात कितनी करते हैं जनता की बात कितनी करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। और हो ये रहा है, मुझे डर ये लग रहा है कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है इसलिए भी होंगे कि नतीजे कुछ भी आए जनता के हित के मुद्दे शायद हम धीरे धीरे पटरी से अलग करके बाजू में रख रहे हैं और वो बहुत बुरी बात है। जो चुनावी राजनीति होती है वो लोकतंत्र की राजनीति तब भी हो सकती है जब चुनाव लोगों के बारे में बात करे। मैं बोला आखिरी सवाल, फिर भी एक और सवाल मैं आपसे उठाना चाहता हूँ। देखिए ये जो 5 राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी केरल में तमिलनाडु में पुडुचेरी में इतना शक्ति नहीं है, उनकी कमजोर है मैं कहता हूँ, असम में इनके सत्ते में है, मगर मैं समझता हूँ बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहे हैं पहला बार सत्ते में आने के लिए। तो आप थोड़ा बहुत कह दीजिए बंगाल का चुनाव का क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए अगर ज्योग्राफिकली सोचा जाए तो पूर्व भारत जो है, पूर्वी भारत जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें हम पूर्वांचल भी ले सकते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश तो हो गया है, असम में आपने जैसे कहा वो आ ही गए हैं, अब अगर वो बंगाल में भी आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विस्तार नहीं होगा तो ये उनकी जो सोच है, उनकी जो राष्ट्रवाद की समझ है, उनकी जो भारत के बारे में समझ है, उसका भी विस्तार होगा। और वो जिस तरीके से, जिसको आपने शुरू में जिक्र किया, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, चुनावी तानाशाही ला रहे हैं, वो चुनावी तानाशाही के लिए अगर वो ज्यादा जगह जीतते हैं तो और मजबूती चुनावी तानाशाही को आ जाएगी, इसलिए पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर डिवीजन की राजनीति भी हो जाएगी और वो जीत जाएगी तो मेरे ख्याल से चुनावी तानाशाही को एक और, जिसको हम कहते हैं, बूस्टर डोज मिल जाएगा। धन्यवाद अध्यापक सुहास पालशिकर जी, आपके साथ बातचीत करने में न्यूज क्लिक का दर्शक के बहुत आपका कीमती समय आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया। सरल भाषा में भारतवर्ष में लोकतंत्र गणतंत्र क्या क्या भविष्य है और ये जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं इसका क्यों इतने महत्वपूर्ण है इस विषय के ऊपर आपने बातचीत किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सब लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक।